जनपद संभल के चंदोसी में ओमी लाला फार्म हाउस में वैश्य समागम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद गिरीश सांगी रहे। कार्यक्रम में प्रदेश के वैश्य समाज के मंत्री, विधायक, चेयरमैन, सभासद व सामाजिक संगठनों से जुड़े प्रमुख लोगों का जमावड़ा रहा। वैश्य समागम एवं अभिनंदन समारोह के उद्घाटन सत्र में स्वागत करते हुए अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं वैश्य समाज के तेज तर्रार नेता पवन कुमार गुप्ता ने कहा कि वैश्य समाज देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। वैश्य समाज के द्वारा किए जाने वाले कार्य से ही देश में विकास कार्य से ही देश का विकास संभव है। आदिकाल से वैश्य समाज ने समाज के निर्माण के लिए विद्यालय, कल्याण के लिए धर्मशालाएं एवं सदमार्ग पर चलने के लिए सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए मंदिरों का निर्माण कराया। निश्चित रूप से देश के निर्माण के लिए वैश्य समाज का योगदान समाज के किसी अन्य वर्ग की तुलना में सर्वाधिक है, किंतु आज हमारी सामाजिक और राजनीतिक स्थिति चिंताजनक है। आवश्यकता इस बात की है कि समाज के लोग संगठित होकर अपने राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करें और चुनावी गतिविधियों में बढ़कर भाग लें। उन्होंने सत्तारूढ़ केंद्र और प्रदेश की सरकारों को अवगत कराया कि भागीदारी आबादी के अनुपात में नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें भागीदारी सरकारों के निर्माण में हमारे योगदान के आधार पर होनी चाहिए। उन्होंने कहा, आज वैश्य और व्यापारियों की चिंता करने वाला कोई नहीं है। जिस प्रकार से विधान परिषद में स्नातक MLC, शिक्षक MLC, स्थानीय निकाय MLC अपनी बात सदन में रखते हैं, उसी प्रकार से उद्योग एवं व्यापारियों के भी MLC का भी प्रतिनिधित्व हो, जो उद्योग एवं व्यापार की समस्याओं को सदन के सामने रख सके। पूरे प्रदेश में चंदोसी का नाम बढ़ाने का काम किया, चंदोसी का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। ऐसी लोकप्रिय विधायक श्रीमती माननीय गुलाब देवी जी, मंच पर उपस्थित तमाम वैश्य समाज के जिम्मेदार पदाधिकारीगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे पिता कुल बुजुर्गो, नौजवान साथियों, मातृशक्ति एवं प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का एक स्वागत अध्यक्ष होने के नाते दिलों की गहराइयों से आपका हार्दिक नंदन वंदन और अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपने इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम की उपयोगिता और प्रासंगिकता को प्रमाणित करने का काम किया है। निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के लिए मेरे साथ में जो सहयोगी लगे और कार्यक्रम के संयोजक भाई कपिल सिंगल जी और जो तमाम सागर गुप्ता जी और जो युवा टीम मोनू गुप्ता युवा टीम, जिन्होंने परिश्रम करके एक हफ्ते के अंदर इतना बड़ा कार्यक्रम करने का काम किया, निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आज वैश्य समाज की जो सामाजिक स्थिति है उस पर मैं 2-3 मिनट जरूर कहना चाहूँगा। वैश्य समाज कल अगर योगदान देखें हम तो वैश्य समाज ने पूरे देश में समाज के कल्याण के लिए और समाज के निर्माण के लिए और सनातन संस्कृति को बचाने के लिए क्या क्या काम किया, ये किसी से छुपा नहीं है। जितने विद्यालय, जितनी धर्मशालाएं और जितने मंदिर वैश्य समाज के लोगों ने इस देश में बनाने का काम किया है, पूरे देश में दूसरे वर्ग की तुलना में ये ऐतिहासिक है। लेकिन जब हम बात करते हैं आज वैश्य समाज के द्वारा दिए गए कर से ही इस देश में विकास कार्य होते हैं, चाहे केंद्र की सरकारें हों या प्रदेश की सरकारें हों। वैश्य समाज, व्यापारी समाज जो टैक्स देता है उसी से समाज के निर्माण और समाज के कल्याण का काम होता है। लेकिन जब हम अपनी सामाजिक स्थिति देखते हैं, जब हम राजनीतिक स्थिति देखते हैं, तो हमें अफसोस होता है कि हमारी सामाजिक और राजनीतिक स्थिति दयनीय क्यों है। कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बात कर रहे थे कि हमें आबादी के हिसाब से राजनीति में भागीदारी मिलनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि राजनीति के हिसाब से नहीं, बल्कि केंद्र की और प्रदेश की सरकारों में हमें उस अनुपात में भागीदारी मिलनी चाहिए। हमारे योगदान के आधार पर हमें भागीदारी मिलनी चाहिए। हमारी आबादी के हिसाब से नहीं मांग रहे, हम मांग रहे हैं कि इस प्रदेश में और देश की सरकारों को बनाने में वैश्य समाज के वोटों का और बाकी की जो दूसरे भी श्रम की और धन की शक्ति है उसका कितना योगदान हमारा है, हमें उसके अनुपात में भागीदारी दीजिए। आज अगर हम प्रदेश में देखें, यदि सदन उच्च सदन में देखें तो शिक्षक MLC हैं, स्नातक MLC हैं, स्थानीय निकाय के MLC हैं, वो अपने वर्ग के अपने लोगों की बात वहां पर उठाते हैं। क्या इस देश में और प्रदेश में व्यापारियों के लिए और वैश्य समाज के लिए उनके कल्याण की बात करने वाला या कहना चाहिए उद्योग और व्यापार की बात करने वाला MLC नहीं होना चाहिए? मेरा मानना है कि निश्चित रूप से
इस सदन में, उच्च सदन में, और हमारे जो है जिस प्रकार से शिक्षक एमएलसी होते हैं, इस प्रकार से स्नातक एमएलसी होते हैं, इस प्रकार से स्थानीय निकाय के एमएलसी होते हैं, उसी प्रकार से उद्योग और व्यापार के एमएलसी भी होने चाहिए। मैं आगामी 2024 का चुनाव है, मैं बड़ी बेबाकी से कहना चाहता हूं कि हमारे समाज के लिए उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं, 18 मंडलों में प्रत्येक मंडल में एक एक वैश्य समाज के व्यक्ति के लिए जरूर हमें टिकट मिलना चाहिए। हमारा दावा है कि आप टिकट देने का काम करेंगे तो हम उन्हें जिताने का काम करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो हमें उसी पार्टी से बात करनी चाहिए जहां पर हमारे समाज का बड़ा वर्ग खड़ा है। अगर किसी कारण से वहां कोई अगर हिला उच्चत होती है, ये चूंकि मेरा घर है, मेरा परिवार है, मैं परिवार के लोगों के बीच में अपनी बात नहीं कहूंगा तो कहां कहूंगा। अगर कहीं हिला उच्चत होती है तो आप अपने फैसला अपने पास रखिए, आपके पास सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। अगर किसी भी राजनीतिक दल से बात नहीं होती है तो आप पूरे प्रदेश में आह्वान करिए कि वैश्य समाज के लोग 80 की 80 लोकसभा के सीटों पर चुनाव लड़ने का काम करेंगे। मैं आपको विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि ये चंदौसी नगर, ये वैश्य समाज की जो यहाँ पर ये जगह है, यहाँ वैश्य समाज के लोगों ने इतिहास बदलने का काम किया है। चाहे 2012 का चुनाव हो, चाहे अभी स्थानीय निकाय का चुनाव हो, वैश्य समाज के लोगों ने जिधर हुंकार भरी है उधर जिताने का काम किया है। मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग भी अगर ये चाहते हैं कि राजनीतिक शक्ति और भागीदारी मिले तो आप लोगों को भी सड़क पर आना पड़ेगा। जिस दिन आप लोग सड़क पर आ जाएंगे तो ये मंच पर बैठे हुए लोग ये सदन की कुंडी खोल लेंगे। तो अपनी बात को और अधिक न कहते हुए सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि चंदौसी ने इतिहास बदला है और चंदौसी में प्रदेश कार्य समिति हो रही है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे राजनीतिक फैसले हों या प्रदेश कार्य समिति का जो निर्णय हो जो पूरे आवाज जिसकी पूरे देश में पूरे प्रदेश में जाए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, इन पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा कि नजर को बदलिए नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलिए सितारे बदल जाएंगे, कश्ती को बदलने की जरूरत नहीं है, दिशा को बदलिए किनारे बदल जाएंगे, दिशा को बदलिए किनारे बदल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।